एक्सरसाइज हमारी 9.5। अब इस एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, मैंने सीरियल वाइज नहीं करने हैं, इसीलिए अब आप छोटे बच्चे भी नहीं हो कि अगर हम सीरियल वाइज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जब क्वेश्चन नंबर लिखा है, पार्ट नंबर लिखा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम क्वेश्चन जो करेंगे, ये एक्सरसाइज हम आइडेंटिटी वाइज करेंगे। अभी हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो ए प्लस बी होल स्क्वायर पे बेस्ड है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन वाइज करवाऊंगी तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, सारी आइडेंटिटीज एक साथ याद नहीं रख सकते ना। अभी मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम आइडेंटिटीज कर रहे हैं ना, ठीक है? तो सिर्फ पहली आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, वो क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्वेश्चन लिखा है, बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट या सूटेबल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी सूट करती है। इन्होंने सूटेबल क्यों लिखा है? क्योंकि इस एक क्वेश्चन में बड़ी सारी आइडेंटिटीज लगनी है। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हम वही पार्ट्स करेंगे खाली जिसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, वो आपको देख के पता चल जाएगा। जो जब सेम नंबर सेम साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? ये क्या बन गया? x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए क्या है? x, और b क्या है? 3। तो मतलब x प्लस थ्री किसके बराबर हो गया? पहले x का स्क्वायर, फिर दूसरे वाली टर्म का 3 जा 9, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को 2 से किया तो 6x। तो रिजल्ट ट्राइनोमियल, क्योंकि एक स्क्वायर वाली है, एक x वाली है और एक कांस्टेंट है, तीनों जो है वो अनलाइक टर्म्स है, तो रिजल्ट हमेशा ट्राइनोमियल में आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट देखो, 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5, लिखना तो प्रॉपर है हमें बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है? लेकिन आपके दिमाग में कैलकुलेशंस आ जानी चाहिए, हमने मेंशन भी करना है a क्या है, b क्या है। तो a और b हमारे यहाँ क्या है? 2y प्लस 5। तो 2y प्लस 5 होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 2y का होल स्क्वायर प्लस, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका मतलब होगा 2y स्क्वायर, कि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, खाली y के ऊपर है, तो वो मतलब नहीं है, a पूरा हमारा 2y है, इसलिए हम लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 2y एंड b इज इक्वल्स टू 5। तो a मीन्स 4y स्क्वायर, 5 5 25 प्लस 2 2 4 5 20y, गॉट इट? अब उसके बाद इसका है नाइन्थ पार्ट क्या है हमारा? x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 इंटू x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 5, वन एंड द सेम थिंग, किसके बराबर है? x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो कंपेयर कर सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर, a का स्क्वायर क्या आ गया? ये क्या है हमारा? x अपॉन 2 मतलब x स्क्वायर अपॉन 4, न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, पूरी वैल्यू a होती है हमारी फर्स्ट वाली। दूसरा 3 3 9 और 4 4 16। तीसरा 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 3y बाई 4, तो 2 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो मेरे पास रह गया 3 अपॉन 4 एक्स वाई, क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद इस फर्स्ट क्वेश्चन में और कोई भी पार्ट इस आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं होगा। अब देखिए आप सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कोई भी पार्ट जो है वो इस पे बेस्ड नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर, अब ये इस फॉर्म में दिया तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए क्या है? एक्स वाई फर्स्ट वाली टर्म ए, और बी हमारे पास सेकेंड वाली टर्म, तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स वाई का होल स्क्वायर का मतलब है कि x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और y के ऊपर भी स्क्वायर। जब 2y था तो मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो जब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ती है। ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9z स्क्वायर प्लस 2 को एक्स वाई के साथ किया और फिर उसको किसके साथ किया? 3z के साथ। तो 2 3 6 एक्स वाई जेड, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होती है और वेरिएबल वेरिएबल से, ये तो आपको पता है। फिर आ जाओ इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? 2 अपॉन 3m प्लस 3 अपॉन 2n। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, पहले वाली टर्म का स्क्वायर 2 2 4 अपॉन 9m स्क्वायर प्लस 3 3 9 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 2 को फर्स्ट वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया और सेकेंड वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, हमारे पास रह गए 2mn, गॉट इट? अब चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे 2xy को, 2 को भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, बाकी सब वैसे लिखना यूजिंग द आइडेंटिटीज, ठीक है? 2 2 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 5 5 25y स्क्वायर प्लस 2 5 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 20 के बाद जितने वेरिएबल्स है लिख दो, x और y 2 टाइम्स है, 20xy स्क्वायर, क्लियर? किसी को कोई डाउट है? इजी है ना, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई है. सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि सॉल्व. अब मुझे लगता है कि आइडेंटिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अब सिंप्लीफाई में बड़े सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने भी वही पार्ट्स उठाए हैं जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है. लेकिन जब हम सिंप्लीफाई करते हैं उसमें हम लिखते नहीं है बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, क्योंकि उसमें बड़े सारे साइन होते हैं. देखो जैसे फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स हैं और दो बार आइडेंटिटी लगेगी. पहले में भी a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरे में भी a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन इसमें प्लस बीच में प्लस का साइन है, ठीक है. इसलिए दो टर्म्स हैं, दो अलग अलग बाइनोमियल्स हैं. तो पहले वाले पे आइडेंटिटी लगा दी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे क्योंकि जब माइनस होता है तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है. दूसरी में भी a हमारा 5m है, b हमारा 4n है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. 4 4 16, m इंटू एम एम स्क्वायर, 5 5 25n स्क्वायर प्लस 2 4 8 5 40mn, ये हमारी एक बाइनोमियल सॉल्व होगी. दूसरी बाइनोमियल सॉल्व की तो 5 5 25m स्क्वायर प्लस 4 4 16n स्क्वायर प्लस 2 5 10 10 4 40mn. अब हम लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेंगे. पहले ब्रैकेट खोल ली, ब्रैकेट खोलने के बाद m स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, n स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, और mn वाली mn वाली. रिजल्ट तो ट्राइनोमियल ही आएगा, ठीक है. लेकिन सिंप्लीफिकेशन में जरूरी नहीं है, ये तो बाय चांस ही है ना, क्योंकि दो सेम बाइनोमियल्स ही हैं तो लाइक टर्म्स बन गई, ठीक है. क्योंकि वेरिएबल भी सेम है, अगर वेरिएबल सेम नहीं हो तो फिर कैसे होना था, ठीक है. तो रिजल्ट आ गया हमारा 41m स्क्वायर प्लस 41n स्क्वायर प्लस 80mn. गॉट इट. अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही सिक्स पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग. देखो ab प्लस bc का स्क्वायर, आपने इतने से टर्म देखे तो हमने देखा ना बाइनोमियल का स्क्वायर है माइनस 2ab स्क्वायर c स्क्वायर, जो है वो साथ में जैसे सॉल्व होगा करते जाएंगे. पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर तो लगाएं जो हमें आता है, ठीक है. तो ये बन गया ab प्लस bc का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ये इतनी सी ब्रैकेट का रिजल्ट है. फिर माइनस 2ab स्क्वायर c साथ में था वो साथ में आ गया. हमने कैलकुलेशंस करके क्या देखा कि हमारे पास एक पॉजिटिव 2ab स्क्वायर सी आ गया और एक हमारे पास नेगेटिव था, तो कट गया. देखो सिंप्लीफिकेशन में जरूरी नहीं है कि रिजल्ट ट्राइनोमियल है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मतलब तो सॉल्व, जीरो भी आ सकता सब कुछ कट कुट के. सिंप्लीफिकेशन मीन्स सॉल्व, क्लियर. तो ये हमारी होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4.